हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपसे एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करता हूँ। जो बेसिक इसके लिए बिकॉज ये वाइडली अवेलेबल है, हम सबके सामने है स्टॉक मार्केट में। डेली बेसिस पे हम ये सब स्टॉक ग्रुप्स वगैरह देखते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स देखते हैं हमारे वॉच लिस्ट में। लेकिन इसके रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है कि पता नहीं है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ब्रीफ में मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो देखिए, जब हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो मोस्टली हम क्या बोलते हैं, निफ्टी 50, है ना। मतलब निफ्टी कैसा है, एनएससी अगर है और बीएससी में सेंसेक्स, कि ये कैसा है, उस अकॉर्डिंगली हम मार्केट पे कॉल लेते हैं या डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर था या नीचे था। लेकिन अगर आप एनएससी की बात करें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है अराउंड 2000 है और बहुत सारे टाइप्स के स्टॉक्स है। तो पुट टुगेदर अगर ओवरऑल मार्केट बोले तो वो बहुत बड़ा है, ये सिर्फ 50 स्टॉक्स नहीं है, ठीक है। इस मार्केट कैप में जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स का, तो अगर हम ब्रॉड लेवल पे इनको कैटेगराइज करें तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे लार्ज बड़े कंपनीज, फिर मिड साइज कंपनीज, छोटे कंपनीज। तो इसको डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या है, तो एक होता है मार्केट कैप, है ना। तो अगर लार्ज मार्केट कैप कंपनीज है तो बड़े कंपनीज है, फिर मिड कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनीज है, और वो उससे भी छोटे जिसको माइक्रो कैप कंपनीज कहते हैं वो भी है। तो ब्रॉडली ये चार लेवल पे ये हम डिवाइड कर सकते हैं पूरा मार्केट सेगमेंट। तो देखिए, एनएससी और बीएससी हमारे लिए बहुत अच्छा काम ये करते हैं ये एक्सचेंजेस, के उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं स्टॉक्स के, और अकॉर्डिंगली हमें ये कैटेगरी मिलता है सारे स्टॉक्स का। जैसे हम सेक्टर्स देखते हैं, फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर, तो ये सारे जब हम जैसे सेक्टर्स देखते हैं वैसे ही सेगमेंट्स हैं स्टॉक्स के बेस्ड ऑन देयर द साइज ऑफ द कंपनी, या मिड कैप है, लार्ज कैप है। देखिए, एनएससी इंडाइसेस हमारे लिए जो ग्रुप्स मैनेज करता है उसमें बहुत सारा काम वो करता है। जैसे देखिए, वहां पे उनके जो मेथड्स हैं उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई स्टॉक का ग्रुप बनाना है तो मार्केट कैप के अलावा उसमें चीजें होती है, मतलब एक मार्केट कैप होता है, टर्नओवर होता है ऑन अ डेली बेसिस, लिक्विडिटी होता है, कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स होती है, फिर इम्पैक्ट कॉस्ट है, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी है, और ये सब करने के बाद भी ग्रुप को मेंटेन करना है, रीबैलेंसिंग करना है, ये सारा काम एनएससी करता है। इसलिए एक बहुत ही यूजफुल हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ग्रुप्स होते हैं जिसमें से हम अपने स्कैनर्स रन कर सकते हैं या स्टॉक सिलेक्शन के लिए वो बहुत ही यूजफुल ग्रुप्स हैं। तो इसके लिए एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड, ये कंपनी जो है एनएससी में जो ग्रुप्स मैनेज करता है वो काफी काम करता है इसके रिलेटेड हमारे लिए। तो उसमें आप देखिए, मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे होता है। एक इंडेक्स है 750 टोटल मार्केट, इस ग्रुप का नाम है निफ्टी टोटल मार्केट। ये 750 स्टॉक्स का एक ग्रुप है, जितने भी एनएससी में लिस्टेड कंपनीज है उसमें से टॉप 750 इस ग्रुप में है। इस 750 कंपनीज में लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है। तो इसको अगर हम दो लेवल में अगर डिवाइड करें तो एक है निफ्टी 500 जो 500 स्टॉक्स का ग्रुप है, और एक है निफ्टी 250 जो माइक्रो कैप है। ये जो है ये माइक्रो कैप कंपनीज है, ठीक है, तो छोटे कंपनीज। और उसके ऊपर जो टॉप 500 कंपनीज है एनएससी में, ये निफ्टी 500 स्टॉक्स में आता है। ये टॉप 500 में अगर इसको, ये और तीन जगह पे इसका इसको डिस्टिंग्विश होता है। एक है निफ्टी टॉप 100 कंपनीज, टॉप के 100 लार्ज कैप कंपनीज। उसके बाद तो ये टॉप 500 में से टॉप 100 यहां पे, उसके बाद के 150 यहां पे है ये मिड कैप कंपनीज है, और उसके बाद के 250 यहां पे है ये स्मॉल कैप कंपनीज है, ठीक है। तो ये 500 का ये तीन जगह पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस 100 में भी टॉप 50 जो है वो निफ्टी 50 है, मतलब निफ्टी जो हम लोग इंडेक्स देखते हैं। फिर ये निफ्टी नेक्स्ट 50, ये 100 में से ये इस तरह से डिवाइड होता है, और फिर ये निफ्टी 150 है। तो इसमें टॉप के 50 कंपनीज है जो मिड कैप 50, ये मिड कैप 150 है, ये मिड कैप 50 इंडेक्स जो टॉप के 50 कंपनीज है इसमें से, और इसमें से टॉप 100 कंपनीज का मिड कैप 100 का इंडेक्स, ठीक है। तो ये 150, 50 और 100 में डिवाइड नहीं हुआ, ये टॉप 50 और ये टॉप 100। इसी तरह से यहां पे भी टॉप 50 और टॉप 100, इस तरह से ये इंडाइसेस है। तो कैसे हो गया, ये निफ्टी 500 इंडेक्स जो आपको पता है, इसके थ्री टाइप्स, निफ्टी 100,
मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, ये और तीन इंडेक्स हो गए। इसमें निफ्टी 100 में से निफ्टी 50 जो हम सबको पता है, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 100, ये इतने इंडेक्स इंडाइसेस है। और ये सारे जो है आपको अगर समझ में आ जाए, देखिए ये टॉप 100 आप देखते हो तो हम लोग नॉर्मली इसको देखते हैं निफ्टी 50, 100 में ये दोनों है। आप अगर ये इंडेक्स देखते हो 150 तो मिड कैप का एक आप इंडेक्स देख लेते हो, आप स्मॉल कैप 250 देखते हो तो आप स्मॉल कैप का एक इंडेक्स देख लेते हो, राइट। तो इस तरह से ये पूरा जो मार्केट का आपको आइडिया आता है, ये 750 स्टॉक्स का इस तरह से बाइफर्केशन है। तो 500 एक बड़ा इंडेक्स है और 250 ये जो है माइक्रो कैप कंपनीज का अलग से इंडेक्स है। अब जो 150 है मिड कैप और 250 स्मॉल कैप, इन दोनों को अगर हम प्लस करें, ये दोनों को बना दे, तो एक निफ्टी 400 मिड और स्मॉल इंडेक्स है। ये वो इंडेक्स है जो ये 400 कंपनीज है, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप, इन दोनों का ये इंडेक्स है, राइट। इस तरह से ये पूरा आपको समझ में आता है कि कौन से कैटेगरी के स्टॉक्स कौन से इंडेक्स में है। तो इसके लिए जितना भी एनालिसिस है ये मोस्टली एनएससी के एंड से हो जाता है और हमें एक पूरा स्टॉक का कैटेगरी मिलता है। अब इसी में और ग्रुप्स भी बहुत सारे इसी के छोटे छोटे बाइफर्केशन है, इसमें से ही टॉप 25 कंपनीज का मिड कैप सिलेक्ट करके भी ग्रुप है। अगर ये लार्ज कैप और मिड कैप को मिला दो तो एक लार्ज मिड कैप ग्रुप भी है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ जाए तो फिर वो बाकी सारा आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये जो टॉप 100 है ये 150 में से और ये लार्ज कैप है, ये दोनों मिला के निफ्टी 200 का ग्रुप होता है, मतलब टॉप 200 कंपनीज ऑफ निफ्टी, 100 लार्ज कैप 100 मिड कैप, राइट। तो ओवरऑल ये आपको बाइफर्केशन समझ में आया। देखिए ये जो निफ्टी 50 हम देखते हैं, अगर इसको आप इसका फ्लोट एडजस्टेड टर्नओवर देखो तो मोर देन 50% यहां पे होता है निफ्टी के 50 कंपनी में, लेकिन बाकी 50% है यहां पे। और इन्वेस्टर्स के अगर आप पोर्टफोलियो की देखोगे, उनके पोर्टफोलियोज में मिड कैप भी होते हैं, स्मॉल कैप भी होते हैं विथ लार्ज कैप। तो ओवरऑल जब ये स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं तब सारे पोर्टफोलियोज में अच्छा रिटर्न होता है और मार्केट सेंटिमेंट बेटर होता है ना। तो इसके लिए ये एनालिसिस अगर हमें पता हो कि कौन से सेगमेंट में क्या हो रहा है तो हमें ओवरऑल मार्केट का एक आइडिया आता है, एक अलग पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है। ये सारे ही ग्रुप्स डिफाइनेज के प्लेटफॉर्म्स में, ट्रेड पॉइंट, आर जोन और मोबाइल ऐप में, सब जगह आपको ये अवेलेबल है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे मैंने बताया ना स्टॉक सिलेक्शन में। अब देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ पे हम लोग काफी बात करते हैं, ब्रेथ पे काफी बात करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन के हिसाब से आपको ये सेगमेंट जो है, अगर यहाँ पे आइडिया हो कि कौन से सेगमेंट में क्या हो रहा है तो आपको समझ में आता है कि कहाँ देखना है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। अगर करंट अभी एनवायरमेंट की बात करूं तो जैसे मिड कैप स्मॉल कैप ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप ये ग्रुप वाइज रिलेटिव स्ट्रेंथ करो या चार्ट्स रेशियो चार्ट्स या आरएस चार्ट उस हिसाब से देखो तो आपको आइडिया आएगा कौन से सेगमेंट में एक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एफएनडो स्टॉक्स में देख रहे हो और अगर मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके स्टॉक सिलेक्शन में आता है मिड कैप पे फोकस करना, राइट। अभी जैसे हमने निफ्टी 500 का बात किया तो निफ्टी 500 में निफ्टी 50 स्टॉक्स भी है, हाँ, अगर निफ्टी 500 ग्रुप निफ्टी 50 को आउटपरफॉर्म कर रहा है इसका मतलब क्या है, रिमेनिंग 450 स्टॉक्स आउटपरफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसमें आप देख सकते हैं स्मॉल कैप में कितना स्ट्रेंथ है, मिड कैप में कितना स्ट्रेंथ है, फिर वहां पे उस सेगमेंट में अगर आप स्टॉक्स में फोकस करो तो आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो काफी बेटर हो सकता है। मतलब अगर वो सेगमेंट परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे स्टॉक्स में ब्रेकआउट में काम करने से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकता है ट्रेड्स का, राइट। तो इसलिए बहुत ही लॉजिकल है, मुझे लगता है बहुत लोगों को या तो ये आइडिया नहीं है या इस चीज को सिंपली इग्नोर कर रहे हैं। अगर ये आपके प्रोसेस में आ जाए, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं प्राइस के साथ आपका आरएस और ब्रेथ ये अगर डायमेंशन जुड़ जाए, मुझे लगता है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, बेटर हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ही, एज ए ट्रेडर हमें हमेशा पता होना चाहिए कि कहां और कैसे काम करना है। कोई भी एक स्ट्रेटेजी मार्केट में हमेशा नहीं चलता, ये मेरे सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रहा हूं। हर एक चीज का एक फेवरेबल पीरियड होता है, अनफेवरेबल पीरियड होता है। कुछ टाइम के लिए वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा चलता है तब सबको लगता है ये अच्छा चल रहा है चलो यही करते हैं, तो पूरे सब लोग टूट पड़ते हैं और वही ज्यादा करते हैं। लेकिन उसका भी एक अनफेवरेबल फेज आता है, फिर कोई और चीज जब उस टाइम चल रहा होता है। होता क्या है कि अगर हम पहली बात तो जैसे मैं स्ट्रेटेजी से कह रहा हूं ना कि एक स्ट्रेटेजी से दूसरा स्ट्रेटेजी या एक इससे दूसरा आप अगर मूव करते रहोगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि यू विल एंड अप ट्रेडिंग बैड फेजेस ऑफ मल्टीपल स्ट्रेटेजीज। इसी तरह से अगर सब लोग कर रहे हैं उसी तरह हम भागने लगे
वैसे काम नहीं होगा मार्केट में, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से किस चीज का फेवरेबल पीरियड है। जैसे करंट एग्जांपल में मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में ब्रेकआउट्स है, आरएस पे आउट परफॉर्मर्स है ये सेगमेंट्स, और वहां पे ब्रेकआउट काम कर रहे हैं, तो अगर आपको ये पता है तो आप उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हो, वहां पे एलोकेशन इंप्रूव कर सकते हो, उससे आपका ओवरऑल ट्रेडिंग बेटर हो सकता है। क्या वो हमेशा चलेगा? नहीं। जब वो नहीं चलेगा, अगर वो आरएस पे अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ये समझ में आएगा अब यहाँ पे काम कम करना है या अब कहीं और ध्यान देना है, तो उस टाइम आपको कौन सा सेगमेंट बेटर कर रहा है वो आइडिया आ सकता है। ये सब हम लोग आरएस में बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं, तो हम लोग जैसे अभी मंथन करके हमारा प्रोग्राम है, हम अलग अलग सिटीज में करते हैं, मैं ये चीजें डिटेल में डिस्कस करता हूँ इसमें, तो ये हम लोगों का और प्लानिंग है कि इन चीजों पे और बात करेंगे। लेकिन एटलीस्ट ये बेसिक चीज अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो जैसे आप आरजोन पे जाते हो या ट्रेड पॉइंट में जाते हो, आप देखिए ये ग्रुप मैनेजर है, यहाँ पे ये सारे ग्रुप जो है आपको ये प्री डिफाइंड ग्रुप मिलेंगे निफ्टी के 200, 500, 400, 750, इसके अलावा जितने भी एनएससी के ग्रुप है वो सारे ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा काफी ग्रुप हमने भी मेंटेन किए, तो जब आप स्कैनर रन करते हो, आरएस करते हो, तो ये ग्रुप्स कैसे सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंसी है। वो ग्रुप सिलेक्ट करने का अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको आइडिया आता है कि मार्केट में ओवरऑल क्या हो रहा है। आपको पता है इसके आगे इसमें और बहुत डिस्कशन करने को है, जैसे एक निफ्टी अल्फा करके भी एक ग्रुप है जो एनएससी मेंटेन करता है। ये अल्फा मतलब द स्टॉक्स विच आर डूइंग बेटर, तो इसमें जेनसन अल्फा करके एक मेथड यूज किया गया है। लेकिन अगर वो भी आप छोड़ दो तो एक 50 स्टॉक का एक ग्रुप है जो एनएससी रीबैलेंस करता है, मतलब ये टॉप 50 कंपनीज है। अब पता है आप पूरे वो 50 कंपनी को यूज कैसे करोगे, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, अभी आप करोगे क्या? अगर इन स्टॉक्स में, इस ग्रुप में कौन से स्टॉक्स आर डूइंग बेटर कंपेयर टू निफ्टी, कंपेयर टू दिस इंडेक्स ओनली, तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें आउट परफॉर्मर्स कौन है, और वहां आपको कोई प्राइस पैटर्न अच्छा मिलता है, दैट बिकम्स अ गुड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। उसी तरह से एक ग्रुप है क्वालिटी 30, या क्वालिटी का एक पूरा एक और भी ग्रुप है क्वालिटी रिलेटेड, ये भी एनएससी मेंटेन करता है। अब इसमें कौन से रूल्स वो करते हैं, अब इसमें एनएससी क्या करता है, फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब हाई आरओई, लो डेट इक्विटी या ईपीएस ग्रोथ, मतलब इन सिंपल वर्ड्स जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है उसमें ग्रोथ है, लिवरेज कम है कंपनी का और सस्टेनेबल प्रॉफिट है, तो इस टाइप के कंपनीज का वो एक ग्रुप बनाता है। अब ये ग्रुप वो मेंटेन करते हैं, रीबैलेंस करते हैं इसको। अगर ये हम हमारे आरएस में लेके आए और ये अगर हमारे स्टॉक सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया बन जाए, यू जस्ट हैव टू सी कि इसमें आउट परफॉर्मर्स कौन है, और वहां पे आप प्राइस पैटर्न या बुलिश स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो है इस पे और बात करने को, लेकिन ये मैंने एक ब्रीफ में एक्सप्लेन किया कि ये जो ग्रुप्स है ये क्या है और इसमें क्या क्या पोटेंशियल है इसको यूज करने का। इस और भी डिफाइनेज भी अपने एंड से बहुत सारे ग्रुप्स मेंटेन करता है, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें आई एक्सप्लेन। और एवरी फ्राइडे आई डू अ Q&A वीडियो, वहां पे इस फ्राइडे में इसको भी डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड थोड़ा Q&A भी करेंगे, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा एक्सपांड भी करूंगा उसमें। थैंक यू फॉर योर टाइम, दिस वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ।